नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फिलहाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने 4-3 के फैसले से एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस को बरकरार रखा है। हालांकि 7 जजों के फैसले पर 3 जजों की बेंच अब यह तय करेगी कि यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा दिया जाए या नहीं। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान का हकदार है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कोई भी धार्मिक समुदाय संस्थान की स्थापना कर सकता है, मगर धार्मिक समुदाय संस्था का प्रशासन नहीं देख सकता। संस्थान की स्थापना सरकारी नियमों के मुताबिक की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि एएमयू संविधान के आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे का हकदार है। तो 3 जजों की बेंच नए मानदंड तय करेगी। एएमयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अनुच्छेद 30 में मिले अधिकार पूरे नहीं। सीजेआई ने इस बात को भी कोट किया। सुप्रीम कोर्ट ने अजीज बादशाह फैसला पलटा। 3 जजों की बेंच नए मानदंड तय करेगी। एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा, हालांकि इसको संस्था का दर्जा दिया जाए या नहीं, इस पर अभी कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। अल्पसंख्यक दर्जा तय करने के लिए नई समिति का गठन किया गया है। अल्पसंख्यक का दर्जा नए सिरे से तय होगा। 3 जजों की बेंच नए मानदंड तय करेगी। अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर नई बेंच बनेगी। 4-3 के बहुमत से एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 का फैसला पलट दिया और रिकॉर्ड किया कि एएमयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अनुच्छेद 30 में मिले अधिकार पूरे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अजीज बादशाह फैसला पलटा। 3 जजों की बेंच नए मानदंड तय करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अल्पसंख्यक दर्जा तय करने के लिए नई पीठ का गठन होगा। फॉर जजमेंट दैट्स ऑल, वी विल वेट एंड वी विल डिस्कस विद आवर एक्सपर्ट फॉर द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। विद आवर लीगल एक्सपर्ट्स वी विल डिस्कस एंड वी विल वेट फॉर द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन एंड वी विल हैव डिस्कशन विद आवर लीगल एक्सपर्ट्स। वी हैव अ टीम ऑफ लीगल एक्सपर्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1967 का फैसला पलट दिया और अनुच्छेद 30 में मिले अधिकार पूरे नहीं, ये कोट किया। सुप्रीम कोर्ट ने अजीज बादशाह फैसला पलटा है। 3 जजों की बेंच नए मानदंड अब तय करेगी। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एएमयू छात्रों और अधिकारियों में भी खुशी देखने को मिली है। छात्रों ने चीफ जस्टिस और उनके साथ शामिल अन्य जजों को इस ऐतिहासिक फैसले के लिए धन्यवाद कहा है। किसी भी तबके की बात करूं, यहाँ तकरीबन सबको बहुत ज्यादा खुशी है और मैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसका खैर मकदम करता हूँ, पुरजोर इस्तेमाल करता हूँ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको बाहें फैलाकर गले लगाना चाहता हूँ और अलीगढ़ मुस्लिम की तरफ से हिंदुस्तान को मैसेज देना चाहता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम से एक वाहिद ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ से हर तबके को फायदा मिला है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, यहाँ सब लोग आपस में मोहब्बत बना के रहे और इंशाल्लाह आगे तक रहेंगे। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं और अपनी सुप्रीम कोर्ट का शुक्र करते हैं कि उन्होंने एक अच्छा फैसला दिया। इससे जो है ऑल ओवर वर्ल्ड एक अच्छा मैसेज जाएगा। इंडिया में जो है बहुत ज्यादा सेकुलरिज्म है और अच्छे अच्छे फैसले यहाँ पे दिए जाते हैं। बहुत से लोग जैसे अदर्स फैसले आए, लोग उसके अगेंस्ट में गए, मतलब ऐसा हमारे अगेंस्ट में कोई फैसला नहीं गया। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमिक जमोई ने स्वागत किया है और उसे संविधान की जीत बताया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इसे पूरे देश में खुशी की लहर है और ये अलीगढ़ तहरीक की, अलीगढ़ आंदोलन की, अलीगढ़ मूवमेंट की फर्जंदाने सरसैयद की जीत है। ये फैसला ये बताता है कि इस मुल्क में मुसलमानों को, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हों चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हों, उनको अपने तरीके से विश्वविद्यालय बनाने का अधिकार है, स्कूल बनाने का अधिकार है, उसको चलाने का अधिकार है और हुकूमत की पूरी मदद के साथ जो भी तबके हमारे मुल्क में तालीम में पसमानदगी को झेल रहे हैं, ऐसे इदारों से मेनस्ट्रीम में लाने में हमारे देश में लोगों को मदद मिलती है। कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो इस वजह से वो आज जजमेंट ओवर रूल हो गई है। तो आज के डेट पे एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ एएमयू इज, आई वुड से, नॉट जुडिशियली डिटरमिंड इज द करेक्ट वे टू पुट इट, बट इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस डिसीजन ने उसे नॉन माइनॉरिटी होल्ड किया था वो डिसीजन अब नहीं है। नंबर वन। नंबर टू,
एक 1980 में जो अमेंडमेंट लाया गया था, जो अजीज बादशाह को अंडू करने के लिए एक तरह से अमेंडमेंट लाया गया था पार्लियामेंट का, वो अब इररेलेवेंट हो गया है, बिकॉज जब जजमेंट ही जुडिशियली लार्जर बेंच ने उसको सेट असाइड कर दिया है, तो 1981 और 82 का जो ये अमेंडमेंट थे ये अब इररेलेवेंट हो गए हैं। यूपी में पुरुष टेलर अब महिलाओं के कपड़ों का नाप नहीं ले पाएंगे। राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है और उसमें कहा गया है कि पुरुष टेलर महिलाओं का नाप नहीं ले सकता। इसमें महिला सुरक्षा से जुड़े कई और प्रस्ताव भी हैं, जैसे जिम और योगा सेंटर्स में भी महिला ट्रेनर हो और इसकी सीसीटीवी से निगरानी हो। महिला आयोग ने राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेज दिया है, अब शासन से मंजूरी मिलने का इंतजार है। महिला आयोग की अध्यक्षता बबीता चौहान का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा रोजगार के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। प्लीज वेरिफिकेशन सारे लड़कों का वहाँ हो, जो भी लड़के हों या लड़कियों, जो भी ट्रेनर हो। दूसरा, वहाँ लड़कियों के लिए लड़कियाँ ट्रेनर हों, पर फिर भी अगर स्वेच्छा से कोई महिला ये कहती है कि मुझे इस लड़के को ही ट्रेनर अपना बनाना है, तो वो अपनी सहमति से बनाए और वो उस जिम वाले की ड्यूटी है कि वो उससे लिखवा के ले कि अगर कल को कोई बात होती है, कोई घटना आपके साथ होती है या कोई अगर आप कहीं असुविधा महसूस करती हैं तो उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इसकी जवाबदेही आपकी खुद की होगी। तो मुझे लगता है कि हम इस पर क्राइम में भी लगाम लगा पाएंगे, क्योंकि फिर वो उनकी अपनी चॉइस होगी। वो कम से कम हमारे शासन को, हमारी प्रशासनिक अधिकारियों को या इनको किसी को ब्लेम नहीं कर पाएंगी। तो एक तो मेरा ये था, दूसरा एक सीसीटीवी जो है कैमरे, वो एक अनिवार्य रूप से होना चाहिए। बस मेरा एक इतना अनुरोध है। दूसरा ये है कि जब ट्रेनर हैं, लड़कियां हर फील्ड में हैं, सब जगह हैं, तो क्यों नहीं यहाँ जाएंगी। दूसरा था कि मेरा एक बुटीक पे जहाँ महिलाओं के कपड़े सिले जाते हैं, आप उसमें भी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कम से कम 90% बुटीक ऐसे हैं जहाँ पुरुष ही टेलर हैं, जो टेलर हैं वही मेजरमेंट करते हैं। वहां से इतनी सारी शिकायतें आती हैं बैड टच करने वाली, क्योंकि सभी की अलग अलग फितरत होती है। तो वो भी यही बात है कि बच्चियां हैं घर में नहीं बताएंगी, महिलाएं घर में नहीं बताएंगी, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। अगर उन्होंने उस टेलर के कपड़े को सिलवा के ही अच्छा लगता है तो वो उसी से सिलवाएंगी और वो सारी चीजें बर्दाश्त भी वो कर रही हैं। तो मैंने ये कहा कि अगर टेलर रखना चाहें आप रखिएगा, लेकिन मेजरमेंट के लिए आप लड़की रखिएगा, वहां जो महिला का मेजरमेंट लेगी वो लड़की होगी वहां। और खबर ग्रेटर नोएडा से है। शारदा यूनिवर्सिटी में नर्सिंग की छात्राएं आपस में भिड़ गईं और मारपीट का वीडियो भी सामने आया। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया। मामला नॉलेज पार्क थाना इलाके का है। तो ये तस्वीरें उस वीडियो द्वारा सामने आई हैं जहां कहा जा रहा है कि सभी नर्सिंग की छात्राएं हैं, किसी बात को लेकर इनका झगड़ा हुआ और फिर ये आपस में भिड़ गईं। शारदा यूनिवर्सिटी किस तरह जंग का मैदान बनी। और ग्रेटर नोएडा में लड़कों ने टोल बूथ का बैरियर कार से तोड़ दिया। टोल प्लाजा के कर्मचारियों के रोकने पर उनसे मारपीट भी की। मामला दनकौर इलाके के रैंप टोल प्लाजा का है। बैरियर तोड़ने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार थार गाड़ी में सवार कुछ युवक जब टोल प्लाजा पर पहुंचे तो टोल शुल्क की मांग पर भड़क गए। इसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी से टोल बैरियर को तोड़ा। जब टोल कर्मचारियों ने उसका विरोध किया तो दबंग युवकों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। और खबर वाराणसी से है। उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी समर्थक ने एक पोस्टर लगवाया है जिसमें अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण तो राहुल गांधी को अर्जुन की भूमिका में दिखाया और पोस्टर पर लिखा संकल्प 2024 लक्ष्य 2027। ये पोस्टर वरुणा पुल इलाके में लगाया गया है। ये पोस्टर महानगर प्रवक्ता समाजवादी छात्र सभा के नेता ने लगाया है। तो ये पोस्टर एक बार फिर से चर्चा में है। वाराणसी में लगा है जहां पर कुरुक्षेत्र मैदान की तरह रथ पर सवार अखिलेश यादव को कृष्ण बताया गया और पीछे बैठे अर्जुन को राहुल गांधी बताया गया। समाजवादी छात्र सभा के एक नेता ने यह पोस्टर लगवाया है। और जिस तरीके से अब चुनाव आने वाले हैं, 2027 का लक्ष्य है, उसे लेकर कुरुक्षेत्र और महाभारत के युद्ध का जिक्र किया है। और बदायूं में वाल्मीकि समाज से जुड़ा एक मामला काफी चर्चा में है और दावा किया जा रहा है कि वाल्मीकि समाज की बेटी का विवाह होना है और उसके लिए कोई मैरिज हॉल देने को तैयार नहीं। जाति पूछने के बाद मैरिज हॉल देने से इनकार कर दिया गया। 4 फरवरी को शादी होनी है। वाल्मीकि समाज के लोगों ने SDM को शिकायत पत्र दिया है।
वृंदावन के आचार्य कौशिक महाराज ने रेलवे ट्रैक पर भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए माफी मांगी। संत समाज की ओर से लगातार हो रहे विरोध के बाद उन्होंने अपनी गलती मानी। इसके लिए ब्रज के संतों और सभी भक्तों से उन्होंने माफी मांगी है। अभी जबलपुर में आयोजन हुआ, मुझे कोई करके बता तो दे, 362 घंटे अनवरत दिन रात अभिषेक चला है, एक सेकंड के लिए बंद नहीं हुआ। अभी दो यज्ञ हुए हैं, 357 घंटा एक यज्ञ, 352 घंटा एक यज्ञ चला है, दिन रात आहुतियां डली है। जैसे हमें बोला जा रहा है सनातन धर्म के विपरीत और इस आदमी से वृंदावन को खतरा है। यदि मुझसे वृंदावन को खतरा है तो एक बात मैं कहूंगा, आप मुझे वृंदावन से निकाल सकते हैं लेकिन बिहारी जी के हृदय से नहीं आप मुझे निकाल सकते। इस बात को मैं डंके की चोट कह रहा हूं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने राजस्थान के नाथद्वारा में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं धर्मगुरु नहीं धर्म का सिपाही हूं, और धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। उन्होंने कहा वोट बैंक के लिए धर्म का इस्तेमाल सबसे बड़ा अपराध है, राजनीति में चल रही उठापटक को धर्म से जोड़ना गलत है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि देश तभी प्रगति करेगा जब सभी एक होंगे। उन्होंने यहां श्रीनाथ जी के दर्शन किए। तो ये बात बहुत पूर्ववत सिद्ध है कि धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है, और हम इस बात के खिलाफ हैं। धर्म का प्रयोग राजनीतिक वोट बैंक के लिए अगर किया जाए ये सबसे बड़ा अपराध है। दूसरी बात, धर्म एक ऐसा है जो स्वतंत्र है, धारणा का विषय है, प्राचीन परंपराओं को जीवंत रखने का विषय है, उत्साह का विषय है, आनंद का विषय है, मोक्ष का विषय है, जिज्ञासा का विषय है। धर्म के रास्ते में किंचित मात्र भी संकीर्णता नहीं, ये सबको स्वीकार करने की सामर्थ्यता रखता। अब देश की राजनीति में तो उठापटक चलती रहती है, उसको धर्म के साथ जोड़ना, क्योंकि जो शाश्वत है, शाश्वत अखंड से खंड खंड को नहीं जोड़ना चाहिए। वहीं भीलवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वक्फ बोर्ड को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा देश में या तो वक्फ बोर्ड बंद होना चाहिए या फिर सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू जागृति के लिए निकाली जाने वाली पद यात्रा के सबसे आखिर में शस्त्र दीक्षा भी दिलाई जाएगी। सनातन बोर्ड का इसलिए गठन होना चाहिए क्योंकि वक्फ बोर्ड बना करके आपने आपने कहा कि इस देश की संसद वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, इस देश के मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर है, कल के दिन हमारे मकान वक्फ बोर्ड ले लेगा तो भैया हम सनातन वालों को तो कम से कम एक जगह छोड़ दो, एक देश में दोनों रहते हैं, अभी रहते हैं तो हम भी रहे, या तो वक्फ बोर्ड बंद हो या सनातन बोर्ड का गठन। संभल में कल्की महोत्सव का मंच हिंदुत्व का महामंच बन गया। कन्हैया मित्तल ने एक रहोगे तो नेक रहोगे से हिंदुत्व का झंडा बुलंद किया। कन्हैया मित्तल ने मंच पर सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे नेक रहोगे का गाना सुनाया। पीलीभीत में पीड़ित ने कोतवाली परिसर में फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बचा लिया। मामला मधो टांडा थाना क्षेत्र का है। पीड़ित ने वकील के खिलाफ गाली गलौज मारपीट की शिकायत की थी। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप है और इससे नाराज होकर पीड़ित ने फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। भदोई में सड़क हादसे में दो लड़कों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हैं। घटना ऊंच इलाका की है। बताया जा रहा है कार सवार 8 लोग वाराणसी से कानपुर जा रहे थे और इसी दौरान कार का टायर फट गया। कार बेकाबू होकर ट्रक के पीछे टकरा गई। कार सवार जागरण कार्यक्रम से लौट रहे थे और इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 महिला समेत 6 लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल भर्ती करवाया गया है। उन्नाव में गंगा रेलवे पुल के नीचे पत्थरों की बारिश हो गई जिससे पुल के नीचे खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। दरअसल गंगा नदी के किनारे बने रेलवे पुल से एक मालगाड़ी गुजर रही थी। मालगाड़ी में पत्थर लदे थे। पुल से गुजर रहे शीशा वगैरह ये देखिए जिससे पुल के नीचे खड़ी ये उसका बाजू का पूरा चला गया पीछे वाला वो भी जा रहा है। नोटबंदी के सालगिरह पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट में लिखा भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में नोटबंदी के नाम पर एक पूरे का पूरा अध्याय सिर्फ काले रंग में छापा जाएगा। आज नोटबंदी की 8वीं सालगिरह के ठीक एक दिन पहले कल
रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे कमजोर स्थिति में आ गया। जनता पूछ रही है क्या ये नोटबंदी की नाकामयाबी की वजह से हुआ या बीजेपी की नकारात्मक नीतियों की वजह से। भाजपा ने अर्थव्यवस्था को अनर्थ व्यवस्था बना दिया। कानपुर में एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी थाने में धरने पर बैठ गए। जानकारी मिलते ही कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे। मामला फजलगंज थाना क्षेत्र का है। दर्शनपुरवा के रहने वाले ओम प्रकाश गुप्ता सपा कार्यकर्ता हैं और उनका आरोप है कि पुलिस ने उनका 151 में चालान कर दिया और उसके बाद उन्होंने फोन करके पूरी जानकारी विधायक अमिताभ वाजपेयी को दी। अमिताभ वाजपेयी फजलगंज थाने पहुंचे, वो कार्यकर्ता के साथ धरने पर बैठ गए। अमिताभ वाजपेयी का कहना है कि जब तक चालान खत्म ना किया जाए तब तक धरना खत्म नहीं होगा। जानकारी के बाद एसीपी नजीराबाद समेत भारी फोर्स मौके पर मौजूद है। अयोध्या मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, दो डॉक्टरों, 10-12 अन्य अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ है। कंप्यूटर ऑपरेटर की मौत के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। सीजेएम की अदालत ने यह आदेश जारी किया था। मृतक के पिता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। कंप्यूटर ऑपरेटर प्रभुनाथ मिश्रा 2019 से मेडिकल कॉलेज में कंप्यूटर ऑपरेटर थे। आरोप है कि छात्राओं ने 10 से 12 अन्य अज्ञात डॉक्टर्स के साथ मिलकर उनके साथ दुर्व्यवहार, मारपीट की। प्रभुनाथ ने इस घटना की शिकायत मेडिकल कॉलेज प्रशासन और प्रिंसिपल से की। आरोप है कि उल्टा प्रभुनाथ पर ही माफी का दबाव बनाया गया और ऐसा ना करने पर छेड़खानी के झूठे आरोपों में फंसाने की धमकी दी। इसी तनाव और धमकियों से तंग आकर उसने जहर खाकर जान दे दी। फतेहपुर में एनकाउंटर में गौ तस्कर इलियास पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरे गौ तस्कर को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। गौ तस्करों के पास से पुलिस ने 2 तमंचा, कारतूस, चापड़, छुरी और एक जिंदा गौवंश बरामद किया है। पकड़े गए दोनों गौ तस्करों के खिलाफ 24 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हदगांव थाना क्षेत्र के बिसोई गांव के जंगलों में एनकाउंटर हुआ। जनपद फतेहपुर में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों और पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में थाना अध्यक्ष हदगांव व सूजी की टीम शाहपुर तिराहे पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान थाना अध्यक्ष हदगांव को मुख्य घर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बिसोई में कुछ लोग गोपसी करने की फिराक में है। जब संयुक्त टीम वहाँ पर पहुंची तो नहर की पुलिया के पास आम और महुए के बाग में एक गोवंश बंधा हुआ था। वह दो लोग उसको काटने की फिराक में थे। पुलिस टीम द्वारा उनको जब आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया तो वे पुलिस टीम पर लक्ष्य करके फायरिंग करने लगे। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा की गई जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। एटा में हरियाणा से नौकरी कर वापस घर लौट रहे युवक से मारपीट कर लूटपाट की गई। बदमाशों ने उससे 47,000 रुपए लूटे। इस मारपीट का वीडियो सामने आया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। कोतवाली देहात इलाके की यह वारदात है। बेल्टों से बेरहमी से पिटाई की गई। पीड़ित युवक ने एसएसपी से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई। टेम्पू बैठ गए तो महिंद्रा एजेंसी के बीच में मुझे घेरा है। उन्होंने मोटरसाइकिल पे बैठा के लेके जा रहे हैं। फिर लेके गए, उन्होंने मुझे चाय पिलाई है। चाय पिला के वो लड़का बुला लिया। 3 मोटरसाइकिल हो गई है ये, तो इन्होंने चाय पिलाई है। फिर कहे कहाँ से आया, मेरे की रेवाड़ी से आया उसने नौकरी करके। अच्छा, लोगों को पैसा है तो पैसा नहीं है। उन्होंने 2 तमंचे थे उनका, एक लड़का ने तमंचा धर दिया कनकुटी में मेरे, तो फिर पैसे निकाल मैंने उसने मेरे हाथ पकड़ लिए। तब मैंने उन्होंने पैसे निकाल लिए मेरे, क्योंकि फिर उन्होंने मेरी बात तोड़ के वीडियो बनाई, फिर भाग गए थे वो। बागपत में चलते पिकअप में भीषण आग लग गई। आग लगते ही चंद मिनटों में पिकअप धू धू कर जल उठा। वो तो गनीमत रही कि ड्राइवर ने किसी तरह गाड़ी से कूदकर जान बचाई और माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते गाड़ी में आग लगी। बड़ौत कोतवाली क्षेत्र की यह पूरी घटना है। कार के ड्राइवर ने जब गाड़ी में आग लगी देखी तो किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। फिरोजाबाद में यात्रियों से भरी ट्रेवलर्स बस को कैंटर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक यात्री की मौके पर मौत हो गई और 5 से ज्यादा यात्री घायल हुए। बताया जा रहा है कि ये लोग अयोध्या से दर्शन करने के बाद मथुरा वृंदावन दर्शन को जा रहे थे। मिनी बस में 17 श्रद्धालु सवार थे। सभी श्रद्धालु गुजरात और दादर नगर हवेली के बताए जा रहे हैं और घायलों को इलाज के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। वहीं अन्य घायलों को सैफई पीजीआई एवं मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद भेजा गया है।
एटा मेडिकल कॉलेज में दो बच्चे लिफ्ट में फंस गए। बच्चों के परिवार का आरोप है कि दोनों बच्चे आधे घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहे। परिवार ने डीएम को फोन करके मदद मांगी, जिसके बाद डीएम ने मेडिकल प्राचार्य को सूचना दी और 10 मिनट के अंदर बच्चों का सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया। हरदोई में लुटेरों ने बाइक सवार को हाथ पैर बांधकर पीटा और बाइक में आग लगा दी। इसके बाद बदमाश रुपए छीनकर फरार हो गए। पीड़ित का सीएचसी में इलाज चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्त में लिया है। बदमाशों ने बाइक सवार युवक को नहर के पास पकड़कर जमकर पीटे और कपड़े उतारकर उसके हाथ पैर बांधकर उसको जमीन पर फेंक दिया और बाइक में आग लगाकर पैसे लेकर भाग गए। राहगीरों ने जब उसे बंधा पड़ा देखा तो मामले की सूचना पुलिस को दी। आगरा में बेटे ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मिलकर मां को मौत के घाट उतार दिया। मामला ताजगंज थाना क्षेत्र के तुलसीनगर का है। गला दबाकर मां को मौत के घाट उतार दिया और बताया जा रहा है कि मां घर बेटे के नाम नहीं कर रही थी और इसीलिए उसने उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। हत्या के बाद शव को कबाड़ रखने वाले कमरे के अंदर बोरे के नीचे दबा दिया था। जानकारी के मुताबिक बेटे सुभाष पर 2 लाख रुपए का कर्ज था और वो अपनी मां से घर अपने नाम लिखवाने की जिद कर रहा था, जबकि मां उसके नाम घर नहीं कर रही थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए फैसला दिया है कि जिस लड़की की शादी 18 साल की आयु से पहले हुई हो, वो 20 साल की उम्र से पहले अपनी शादी को रद्द करवा सकती है। इस प्रकार जिस लड़के का विवाह 21 साल से पहले हुआ है, वो 23 साल की आयु होने से पहले अपनी शादी रद्द करवा सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने गौतम बुद्ध नगर के एक पारिवारिक मामले की सुनवाई करते हुए दिया। और बड़ी खबर प्रयागराज से, इरफान सोलंकी की सजा पर सुनवाई पूरी हुई। कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा के विधायक रहे इरफान सोलंकी की सजा पर सुनवाई पूरी हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इरफान सोलंकी और यूपी सरकार की अपीलों पर सुनवाई पूरी हो गई है। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इरफान सोलंकी, भाई रिजवान सोलंकी और एक अन्य अभियुक्त पर जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। इरफान सोलंकी और अन्य ने 7 साल की सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत दिए जाने को लेकर अपील खारिज की थी। यूपी सरकार की ओर से 7 साल की मिली सजा को उम्र कैद में बदले जाने की मांग की गई है। तो कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है, कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी और अन्य 7 लोगों पर सुनवाई पूरी हो गई है और कहा जा रहा है कि यूपी सरकार की अपील जो थी उन पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। इरफान सोलंकी की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। कुल मिलाकर दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। 7 साल की सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग यूपी सरकार ने की थी। सर्वेश दुबे से अपडेट लेते हैं। सर्वेश, विस्तार से बताइए पूरी खबर। देखिए, इरफान सोलंकी सपा के विधायक सीसामऊ से है, कानपुर के थे, लेकिन एक महिला का घर जलाने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट कानपुर ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी और उस सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। 20 तारीख को वहां पर मतदान होना है। इस बीच इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और अन्य अभियुक्त जो थे, जिन्हें कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट आए थे, जमानत अर्जी लगाई थी। इसके अलावा सजा पर रोक लगाए जाने को लेकर अपील दाखिल की थी। उस अपील पर पिछले 3 दिनों से लगातार सुनवाई हो रही थी। इसके साथ साथ राज्य सरकार की ओर से भी एक विशेष अपील दाखिल की गई थी। राज्य सरकार ने यह दलील दी थी कि इस मामले में जो 7 साल की सजा सुनाई गई है वो सजा कम है, लिहाजा इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाए। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के एम नटराजन ने बहस की। इसके साथ साथ या कि इरफान सोलंकी की ओर से गोपाल चतुर्वेदी, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने पक्ष रखा। 3 दिनों की सुनवाई पूरी होने के बाद, सभी पक्षों को सुनने के बाद, कोर्ट ने आज जजमेंट को रिजर्व कर लिया है। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते इस मामले में कोर्ट अपना जजमेंट सुना सकती है। अब ये देखना होगा कि कोर्ट जो लोअर कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है, एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट कानपुर ने, बिल्कुल बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया।